हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर आसान क्लासेस। तो आज हम लोग प्रश्न वाली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो कि काफी इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन पसंद करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसके बाद इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है सर, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 sec। हम लोग को ये करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बराबर कि ये साइड है आपका लेफ्ट हैंड साइड और वो साइड है आपका राइट हैंड साइड। तो हम लोग को ये करना है सर कि लेफ्ट हैंड साइड से चलना है, इसको हल करना है, इसको हल करके राइट हैंड साइड 2 sec a लाना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं और 2 sec a को लाते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं और आप कंसंट्रेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ आप इस चीज को देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, LHS से चलेंगे। तो LHS में क्या है, जरा इस चीज को लिख लेते हैं। तो LHS में है सर हमारा cos a बटे 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटे cos a। तो यहां पे देख पा रहे हैं इसको करना क्या है, भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ आप जानते हैं बनाने के लिए ना, बस वैसे ही आपको इसको बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इसका इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो यही सेम चीज आएगा, 1 प्लस साइन ए आएगा और क्या आएगा, कॉस ए आएगा। तो यहां पे इन दोनों का एलसीएम ये आया। अब करना क्या आप जानते हो, एलसीएम में इस पूरे को इससे भागा देना है, मतलब इसको 1 प्लस साइन ए, उसके बाद हमारे पास है कॉस ए, इसको भागा देना है। किससे भागा देना है, इससे इसको भागा देना है, इससे इसको भागा देना है, मतलब इससे भागा देते हैं 1 प्लस साइन ए से। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये से ये कट जाएगा, क्या बचे, कॉस ए। अब इस कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे, तो कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर ए प्लस, उसी तरीके से इस कॉस ए से इसको अगर भागा देंगे 1 प्लस साइन ए को, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए जो हमारा ये था ना, इससे कॉस ए को, मतलब कॉस ए से अगर भागा देते हैं तो हमारा क्या आएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, ये वाला आएगा। तो इससे इसको गुना करना होता है, तो इससे इसको गुना करें हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए होगा। इसी चीज को सर समझना है, एक बार आप फिर से समझिए। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, ये आया, इससे हमने इसको भागा दिया तो ये बच गया, इससे इसको गुना किया कॉस स्क्वायर, इस पूरे को इस कॉस से भागा दिया, कॉस से कॉस कट गया, ये 1 प्लस साइन ए बचा, इस 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुना किया तो यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर हो गया। अगर ये बात आपको समझ में आ गया होगा तो आगे का प्रोसेस आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आइए आगे की प्रोसेस को करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कॉस स्क्वायर ए है, उसको उसी तरीके से लिखना है। उसके बाद ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में होगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी हमारा क्या है सर, साइन ए प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा साइन स्क्वायर ए। उसके बाद नीचे वाले को आप डिटो उतार दो, इस नीचे वाले में क्या था, 1 प्लस साइन ए, उसके बाद कॉस ए था, इसको मैंने डिटो उतार दिया है। अब ध्यान देना है सर, एक काम करना है, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को मैं एक साथ लिख देता हूँ, बस साथ लिख देता हूँ, क्योंकि आप भी अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। तो साइन जो है, साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर के साथ रहता है। चलिए इसको हम लोग अरेंजमेंट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए, उसके बाद क्या था हमारा, प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद जो हमारा डिट्टो ये टर्म था, इसको मैं डिट्टो लिख देता हूँ। क्या, एक का स्क्वायर क्या होगा, तो एक का स्क्वायर एक, प्लस दो एकम दो, साइन ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 sin a। अब नीचे में क्या है सर, नीचे में जो था उसको डायरेक्टली उतार दो, तो 1 प्लस साइन ए बटे क्या है, कॉस ए, इसको हमने डिट्टो उतार दिया नीचे वाले को। अब आप जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक। तो यहाँ पे तो एक लिख सकते हैं, इसके बदले हम लोग लिख दे रहे हैं एक, तो हमने एक इसके बदले लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस तो सर हो जाएगा प्लस 1, प्लस फिर 2 यहाँ पे साइन ए, इसको मैंने डिट्टो उतार दिया है। अब इस चीज को, नीचे वाले टर्म को भी एज इट इज वैसी का वैसी उतार दो, ठीक,
अब इसको उतारने के बाद आपको कुछ देखने को मिलेगा और आश्चर्यचकित हो जाओगे। एक और एक कितना होता है, तो 2 + 2 sin A। उसके बाद सर नीचे में जो है उसको डिट्टो उतार दो, 1 + sin A। उसके बाद cos A। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे सर, जरा क्या ध्यान दोगे कि इन दोनों से कुछ बाहर निकल सकता है, यहां से 2 और यहां से 2 बाहर निकल सकता है ना, तो बाहर निकाल देते हैं। तो 2 बाहर निकलेगा दोनों से, तो 2 यहां से निकल गया, तो यहां क्या बचा 1। उसके बाद प्लस, यहां से तो बाहर निकल चुका है, क्या बचा फाइनली हमारे पास sin A। उसके बाद सर ध्यान देंगे जो नीचे वाला टर्म उसको मैं डिट्टो लिख रहा हूं, 1 + sin A। उसके बाद फिर cos A। अब देख सकते हैं सर, 1 + sin A यहां भी, 1 + sin A यहां भी, ये कट गया, क्या बचा यहां पे सर आपका बचा 2 × ये यहां पे कुछ नहीं, तो 1 बचा हुआ है सर, तो 1 cos A हमारा बचा हुआ 1 cos A। बेटा ध्यान दोगे आप यहां पे, 2 का 2 यहां पे हो गया और 1 cos A क्या होता है, ध्यान दो जरा जल्दी जल्दी जल्दी, 1 cos क्या होता है sec, तो यहां हो जाएगा sec A। और हम लोग को यही प्रूफ करना था, देख सकते हो क्या लाना था, 2 sec A लाना था। तो इस तरीके से हमने काफी अच्छे से इसको सॉल्व करके हमने 2 sec A लेते आया है और इसी चीज को हम लोग को सिद्ध करना था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए कहीं डॉट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, और अगर कहीं पे आपको डाउट हो रहा है वीडियो को बार बार बैक करके आप इस वीडियो को समझिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत सिंपल सा है, जैसे जैसे अभी आगे क्वेश्चन का लेवल अभी बढ़ेगा ना, थोड़ा सा क्वेश्चन और टफ होते जाएगा। टफ कुछ भी नहीं है, आपको करना है बस ये है क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।